अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका राजकुमार जी। राजकुमारी, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्कार राजकुमारी जी, बताएं आपका सवाल क्या है। मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मशीन साहब को। जी और ये मैं मेरे हस्बैंड के लिए है। उनके पेट में बहुत गड़बड़ी रहती थी, तो नमक जैतून और सब जो पाउडर बताए थे वो सब मंगा के मैं उनको दी हूँ। अभी वो 5 महीना से खा रहे हैं, तो बहुत फायदा हो रहा है। और दूसरी चीज है, उनको जुकाम का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं पहले ये माजू मार के 5 डब्बा दे चुकी हूँ। फिर आप ही के प्रोग्राम में मैं सुनी थी ये पाकिस्तान उन्नाव और ये यही सब। तो मैं आपके यहाँ से मंगाने वो ऑर्डर किया था, तो वो उन्नाव भेजे हैं और लंबी लंबी वाइट वाइट लकड़ी है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उन लोगों से बार बार फोन करके पूछती हूँ जो ये इसको क्या करना है, तो वो लोग बता नहीं रहे। तो इसके बारे में वो जुकाम के लिए मुझे पूछना ठीक है है। राजकुमारी जी, पहले तो बहुत मुबारक कि आपके पति को फायदा हो गया। और ये जो लकड़ी है ये शायद गलत है, ये अलग कर दीजिए उससे नुस्खे से। सपिस्तान लिसोड़े को कहते हैं, उन्नाब एक लाल किस्म का बेर होता है और अलसी आप महिलाएं जानती ही हैं। ये तीन चीज़ें 100-100 ग्राम लेनी होती हैं। उन्नाब में जो लाल किस्म का एक जड़ी बूटी है, गोल गोल बेर की तरह, उसमें गुठली होती है, गुठली को निकाल दें। और आपके किचन में जो पीपलें होती हैं वो 30 ग्राम इसमें मिला लें, 100 ग्राम के नुस्खे में। और इसको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, सुबह खाली पेट गर्म पानी से और रात को सोते वक्त दिया जाता है। और ये नुस्खा 6-7 महीने दिया जाता है। और खट्टी चीज़ों का इसमें परहेज़ करना ज़रूरी है। तो ये लकड़ी जो है शायद गलत आ गई आपके पास, इसे अलग कर दें। और ये लकड़ी कभी ज़रूरत पड़े तो, कभी जोड़ों में दर्द हो तो इसका पाउडर बना के 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम लेते हैं, ये उसके फ़ायदे के लिए है। और अगर आप फ़ोन करेंगे तो जब हमारे हमारे हेल्पलाइन नंबर से फ़ोन आएगा तो जैसे ही इनको आपका फ़ोन मिलेगा, वो हमारी एक टीम है जो वापस फ़ोन करती है, तो उस वक्त आप फ़ोन अटेंड कर लें। दरअसल मैंने ये शिकायत की थी कि अगर कोई फ़ोन करे तो आप उसका रिप्लाई क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि जब हम फ़ोन करते हैं तो वो लोग फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा कुछ होता है। खुश रहिए और नुस्खे इस्तेमाल किया करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। मेरी आपसे ये अनुरोध है।